आजकल के तनाव भरे जीवन में लोग अपनी सेहत का ध्यान रखना बिल्कुल ही भूल जाते हैं, जिसके चलते वो ना जाने कई अनजान बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। अब इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि आज दुनिया के हर इंसान को कोई ना कोई बीमारी तो जरूर होती है। ऐसे में कब ये बीमारी धीरे धीरे एक गंभीरता का रूप ले लेती है, इंसान को पता भी नहीं चलता है। यूँ तो इंसान बहुत सी बीमारियों का शिकार होता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रहे हैं जो 10 में से 3 व्यक्तियों में तो जरूर देखने को मिलती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ हम कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की बात कर रहे हैं, जो पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में पाई जाती हैं। आपको बता दें कि हार्मोन असंतुलित तनाव और गलत खान पान के कारण महिलाओं में ये बीमारी बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में आज हम आपको इसके शुरुआती लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं और इसके घरेलू इलाज से भी आपको रूबरू करवाने वाले हैं। आपको बता दें कि महिलाओं को इस बीमारी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, जिसके चलते वो इस बीमारी का शिकार हो जाती हैं, जबकि इस बीमारी को समय रहते ठीक भी किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा देर होने पर ये बीमारी गंभीर रूप ले लेती है। इसलिए आज हम आपको इसके कुछ लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए अब आपको इसके लक्षणों के बारे में विस्तार से बताते हैं। इसके लक्षण हैं, वो हैं, पहला, बार बार पेशाब आना। दूसरा, नियमित रूप से पीरियड का न आना। तीसरा, पेशाब करने के बाद भी 2-4 बूंदे दोबारा आ जाना। चौथा, पेट में दर्द और भारीपन रहना। पांचवा, गैस और दस्त लगना। अब ये तो इस बीमारी के कुछ शुरुआती लक्षण थे, जबकि अगर आपको खुद में ये लक्षण दिखाई दे तो किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले एक बार डॉक्टर को जरूर दिखा लें, लेकिन उससे पहले इन घरेलू नुस्खों को जरूर आजमा लें। पहला, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अदरक में बहुत से औषधीय गुण पाए जाते हैं। ऐसे में महिलाओं के लिए अदरक का सेवन करना बहुत ही लाभदायक होता है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि रोज अदरक का सेवन करने से ओवेरियन कैंसर सहित कई बीमारियों का नाश होता है। दूसरा, इसके अलावा भोजन में अजवाइन का इस्तेमाल करना भी बहुत ही लाभदायक माना जाता है। आपको बता दें कि इससे कैंसर के सेल्स कम हो जाते हैं, इसलिए आपको खाने में अजवाइन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, लेकिन एक सीमित मात्रा में ही इसका इस्तेमाल करें। तीसरा, अलसी के बीजों में फाइबर मौजूद होता है, जो कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। इसलिए अलसी के तेल की कुछ बूंदे दूध में डालकर पीने से इस बीमारी से राहत जरूर मिलती है। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप इस बीमारी को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो आपको इन सावधानियों पर ध्यान जरूर देना होगा और अपने खान पान में भी थोड़ा परिवर्तन तो जरूर लाना होगा, तभी आपको इस बीमारी से छुटकारा मिलेगा। जबकि हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो जानकारी बताई है उससे आपको इस बीमारी से छुटकारा पाने में बहुत मदद मिलेगी। क्यूरेन हेल्थ डेस्क से विनीत राय की रिपोर्ट।